दोस्तों, श्रीदेवी की मौत के 3 दिन बाद अब उनके शव को दुबई से भारत लाने की फाइनली अनुमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि आज रात तक श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जा सकता है। वहीं उनके आखिरी दर्शन के लिए तमाम हस्तियां उनके घर पहुंच रही हैं। शाहरुख खान, करण जौहर, दीपिका, रणवीर सिंह, कमल हासन, करिश्मा कपूर के साथ और दूसरे स्टार्स भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। श्रीदेवी की मौत अब रहस्य बनती जा रही है। पहले खबर आई थी कि मौत हार्ट अटैक के चलते हुई, फिर कहा गया कि श्रीदेवी की मौत का कारण शराब पीने और संतुलन बिगड़ने से बाथटब में डूबने की वजह से हुई, लेकिन अभी भी मामला उलझा हुआ है। मौत के बाद भी मृत श्रीदेवी का शव दुबई में रखा हुआ है, उसे भारत लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। आइए जानते हैं अब तक क्या हुआ। श्रीदेवी की मौत के मामले में अब दुबई पुलिस ने उनके पति बोनी कपूर का बयान दर्ज किया है। श्रीदेवी की मौत दुबई के एक होटल के बाथटब में बेहोशी के बाद दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। सूत्रों ने गल्फ न्यूज को बताया कि बोनी कपूर को पूछताछ के लिए दुबई पुलिस ने बुलाया था। इस मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें होटल वापस जाने की मंजूरी मिल गई। उधर भारतीय राजनयिक अधिकारियों का कहना है कि श्रीदेवी के शव को भारत लाने की कोशिश जारी है। बता दें, 2 दिनों से उनका पार्थिव शरीर दुबई में है। माना जा रहा है कि आज उनके शव को भारत रवाना कर दिया जाएगा। भारत में श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए रिश्तेदार, दोस्त और फैमिली मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारत में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में ये कहकर सनसनी मचा दी है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं, हत्या है। अब सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सीसीटीवी में क्या था, कौन उसके अपार्टमेंट, उसके होटल रूम में गए? हाँ, तो इसमें, और वो कहना कि उसके सिस्टम में शराब है, क्या शराब पी के मरी?
अब वो तो शराब छूती नहीं थी। सोमवार को अमर सिंह ने भी ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि श्रीदेवी शराब नहीं पीती थी, तो शराब के नशे में वो कैसे बाथटब में गिर सकती हैं? जहाँ तक श्रीदेवी जी के बारे में मुझे पता है, हार्ड लिकर का सेवन वो नहीं करती थी। मैंने कभी भी उनको हार्ड ड्रिंक जो स्नायु तंत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं उसका सेवन करते नहीं देखा। इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वो अपने कमरे में ही अकेली रही, एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर, ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी। श्रीदेवी की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है, तो उधर श्रीदेवी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने देवर और एक्टर अनिल कपूर के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। श्रीदेवी और अनिल कपूर ने करीब 12 सुपरहिट फिल्मों में साथ में डांस किया था। श्रीदेवी को क्या पता था कि उनका आखिरी डांस भी देवर अनिल कपूर के साथ ही होगा। ये अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी का आखिरी डांस वीडियो है। श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं है और उनकी मौत की गुत्थी उलझती जा रही है, हालांकि बताया जा रहा है कि आज उनका शव भारत रवाना किया जा सकता है। नाम और शोहरत के साथ श्रीदेवी ने करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है। आइए जानते हैं कि वो अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं। श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके निधन के बाद हर कोई सदमे में है। उनकी मृत्यु दुबई में हुई थी। श्रीदेवी अक्सर अपने स्टाइल, अंदाज और खूबसूरती को लेकर सुर्खियों में बनी रहती थी। श्रीदेवी किसी भी पार्टी में अलग ही छटा बिखेरती थी। मेकअप से लेकर उनके गहनों, कपड़ों तक सब कुछ खास होता था। श्रीदेवी करोड़ों की मालकिन थी। उन्हें लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां, महंगी ज्वेलरी, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े, लग्जरी गाड़ियों का बेहद शौक था। फिर डिजाइनर कपड़े, चश्मे, ब्रेसलेट आदि उनकी अलमारियों की शोभा बढ़ाती थी। संपत्ति के मामले में कहा जाता है कि वो 3-3 बंगलों की मालकिन थी। 247 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। जी हां, 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली श्रीदेवी की कुल संपत्ति करीब 247 करोड़ रुपए बताई जा रही है। श्रीदेवी अपने वक्त की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। एक फिल्म के लिए श्रीदेवी करीब 1 करोड़ रुपए लेती थी। कहा जाता है कि उनकी कुल संपत्ति में उनके पति बोनी कपूर की कोई हिस्सेदारी नहीं है। करीब 15 साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया और उसके लिए भी उन्हें 3-5 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं। करीब 300 फिल्मों में काम कर चुकी श्रीदेवी ने अपनी कमाई से 3-3 आलीशान बंगले खरीदे थे। उनकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 62 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।